अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल ज़िंदगी में आप सबको फुरकान शबीर का सलाम। दोस्तों, ये मेरा होब है फुटाइल का, इसके जो बर्नर हैं वो स्लो पे बंद हो जाते हैं, इनकी सफाई नहीं हुई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं इनकी सफाई करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैं इसको चला रहा हूँ और ये मैंने इसको स्लो पे किया है, लेकिन ये कुछ अर्से बाद बंद हो जाएगा। ये देखिए, फिर चला रहा हूँ, इसको स्लो पे रखता हूँ, स्लो पे ये बंद हो जाएगा। तो अभी इसकी मैं सफाई करूँगा। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये जो इसके नेट होंगे ये बेसिकली एल्की से खुलने वाले नेट हैं, ये आम पेज से ये नहीं खुलेंगे। तो इसके लिए हमें स्पेशल एल्की चाहिए। ये हमारे पास एल्की होती है मुख्तलिफ साइज़ की, तो इस एल्की से मैं इसको नेट को खोलूँगा। ये देखें, एक नेट खुल गया। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये इसके जो मेरी समझ के मुताबिक जो इसके ऊपर ये जो मैल आई हुई है और ये नीचे अंदर, ये देखें अगर आप, इसके ऊपर ये जो कालक है ये इसकी ऑक्सीजन को रोकती है। ये देखें, तो इसके ऊपर ये है, तो ये अगर मैं उंगली मार के दिखाऊँ आपको, तो इसकी वजह से ये बेसिकली आपकी हवा का प्रेशर कम होता है और चूल्हा बंद होता है। तो अब इसको मैं साफ़ करूँगा, और इसी तरह ये बाकी भी हैं, इनको भी खोलूँगा और इनको खोल के साफ़ करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये सारा खुल गया है, अब इसकी मैं सफाई करूँगा। जितने ये हैं सारे, इनको एसिड क्लीन में थोड़ा सा डाल के इसको साफ़ करूँगा ताकि साफ़ हों, और इसके अंदर से सफाई ब्लोअर मारूँगा ताकि साफ़ अच्छी तरह ही हो सके। जी दोस्तों, ये मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है केमिकल का, ये इसमें डाल रहा हूँ। कुछ अर्से बाद इसको मैं अच्छी तरह रगड़ के साफ़ कर दूँगा, जितना साफ़ हो सकता है। ये सॉल्यूशन लेमन मैक्स का और थोड़ा सा एसिड है ताकि सफाई हो सके इसकी, जितनी ज़्यादा बेहतर से बेहतर इसकी सफाई हो सकती है। इसको कम से कम आधा घंटे बाद मैं इसको साफ़ कर लूँगा, जब तक ये पानी में पड़ा रहेगा तब तक मैं इसको जो साफ़ है ये चीज़ें को साफ़ करूँगा। दोस्तों, ये जो इसकी मैल है ये सारी मैं साफ़ करने लगा हूँ खुरच के, फिर इसको ड्रायर मार के ब्लोअर मार से साफ़ करूँगा। जी दोस्तों, ये हमारा काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। जी दोस्तों, ये मेरे वो इसके आउटर हैं, ये मैं साफ़ करने लगा हूँ, ये मैंने केमिकल में जो डाले थे, आप इसको अच्छी तरह साफ़ कर रहा हूँ। ये आप गंद देख सकते हैं कितना इसके ऊपर गंद है, कोशिश मैं करूँगा जितना हद तक मुझसे ये साफ़ हो गया मैं साफ़ करूँगा। जी दोस्तों, ये देखें, हमने पूरा इसका खोल लिया है और ये देखें ऑयल कैसे इसके अंदर आया हुआ है, इसको ऑयल को भी साफ़ करूँगा। और ये इसकी प्लेट है और ये इसका बर्नर जा रहा है जहाँ से गैस जा रही है, इसको भी खोल के साफ़ करेंगे, क्योंकि इसमें भी डस्ट और जो कचरा होता है फंस जाता है, जिससे आपकी गैस मुकम्मल तौर पर नहीं जाती। अभी मैं इसको खोलूँगा और खोल के आपको बताता हूँ इसको।
दोस्तों ये देखें जेट है, और जेट के साथ ये आपका डस्ट है, ये डस्ट जिसकी वजह से आपकी हवा पूरी प्रॉपर गैस नहीं जा सकती और जिसकी वजह से चूल्हा सही जलता नहीं है। अब इसको भी साफ़ करेंगे, ये जो नाली है इसके अंदर भी ब्लोअर मारेंगे और ये जो नाली है इसके अंदर भी हम ब्लोअर मार के साफ़ करेंगे। जी दोस्तों ये हमारे इस टाइम रेडी हो गए हैं, लेकिन अब क्योंकि गैस जा चुकी है इसलिए मैं इनको चेक नहीं कर पा रहा। जैसे गैस आती है तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ आपको। जी दोस्तों ये गैस आ गई है, ये देखिए इसको मैं स्लो कर रहा हूँ और ये देखें ये बंद नहीं हुआ और ये भी चल रहा है मेरा, ये भी बंद नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। दुआ में ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह ने देखा।